हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। यह मैप सीरीज का चौथा वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे मेघालय स्टेट के बारे में। यह पूर्वोत्तर राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हम जानेंगे आज मेघालय के पड़ोसी राज्य के बारे में और जानते हैं इसके यहाँ के ट्राइब्स के बारे में, यहाँ के जानवरों के बारे में, यहाँ पर पहाड़ों के बारे में, नदियों, खेत खलिहानों के बारे में। आज हम पूरे विस्तार से जानेंगे मेघालय के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह रहा खूबसूरत सा मैप हमारा देश भारत का। तो हम नजर डालते हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ। जहां हम पूर्वोत्तर भारत की तरफ नजर डालते हैं, वहां पर हमें मिलता असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। वहीं पर हमें अब दिखता है मेघालय। आज हम बात करेंगे मेघालय स्टेट के बारे में। और इसे देखें तो असम के बीच में दबा हुआ है। असम नॉर्थ में भी असम है, ईस्ट में भी असम है, और यहाँ पर जो है इसके साउथ में ये बांग्लादेश वाला रीजन है। तो बांग्लादेश से भी इसका बॉर्डर टच होता है। तो यह तीन दो तरफ से असम से और एक तरफ से बांग्लादेश से यह घिरा हुआ है। तो आज हम इसके बारे में, मेघालय के बारे में बातें कर रहे हैं। तो चलिए एक स्पेशल मैप जिसमें कि मेघालय का है, वहां पर हम जानते हैं मेघालय के बारे में। तो ये मैप रहा, स्पेशल मैप है मेघालय का, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ या इसका जो डिस्ट्रिक्ट्स है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर। वेस्ट गारो हिल्स, ईस्ट गारो हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स, वेस्ट जयंतिया हिल्स, ईस्ट खासी हिल्स। तो यहाँ का जो हिल्स है, इसका मतलब है कि यह इलाका सब पर्वतीय इलाका ही है। तो यहाँ का जितना सारा हिल्स है, उसी के नाम पर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रखा गया है। तो यहाँ का जो हिल्स है, तीन हिल्स बहुत फेमस है, गारो खासी जयंतिया। और यह गारो खासी जयंतिया जो यहाँ की ट्राइब्स भी है, यहाँ की आदिवासी है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गारो खासी जयंतिया किस राज्य से जनजाति है, तो यह आएगा मेघालय से। ऊपर से यह डिस्ट्रिक्ट भी है, ऊपर से यह पहाड़ी हिल्स भी है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मेघालय का जितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो मैप में खूब अच्छी तरह से। और मेघालय इसलिए शब्द पड़ा इस मेघालय राज्य का नाम, क्योंकि मेघों का घर है यह। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ पे होती है, तो आपको पता होगा मासिनराम, मेघालय में। तो इसलिए इसको मेघों का घर, मेघालय भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके डिटेल से नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कि मेघालय का स्थापना दिवस कब है। तो 21 जनवरी 1972 को यह अस्तित्व में आया। और मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और मेघालय की राजकीय भाषा है, तो यहाँ की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। और मेघालय के पहले मुख्यमंत्री विलियमसन ए संगमा जी थे। मेघालय का राजकीय पशु चितकबरा तेंदुआ है। और यहाँ का जो है राजकीय फूल है, लेडी स्लीपिंग आर्चिड है। और मेघालय का राजकीय पेड़ जो है गामरी है। तो ये रहा कॉमन हिल मैना, यहाँ का जो है ये नेशनल बर्ड्स है, जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है। और मेघालय का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। मेघालय का क्षेत्रफल जो है यह 22,429 किलोमीटर है। मेघालय का सबसे बड़ा जो नगर है वो शिलोंग है, जो इसकी राजधानी भी है। मेघालय के प्रमुख लोक नृत्य हैं बंगला, लाहो आदि। ये रहा मेघालय का स्टेट एनिमल चितकबरा तेंदुआ, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, मेघालय के प्रमुख लोक नृत्य हैं बंगला, लाहो आपने देख ही लिया है। और मेघालय की प्रमुख नदियां हैं सिमसांग, मंदा, जांजीराम, दामरिंग आदि। मेघालय की सीमा जो है असम और बांग्लादेश से मिलती है। मेघालय का प्रमुख कृषि उत्पादन देखा जाए तो यहाँ का है चावल, मक्का, दाल, आलू, हल्दी, काली मिर्च, सुपारी, पान, संतरा आदि है, यहाँ पर खेती होती है। मेघालय के प्रमुख
पर्यटन स्थल है तो वॉर्ड लेक है, लेडी हैदरी पार्क, मिनी चिड़ियाघर, एलिफेंटा फॉल्स आदि हैं। मेघालय के प्रमुख उद्योग देखा जाए तो यहाँ पर कोयला के खदान भी है, लाइमस्टोन चूना पत्थर भी है, सिलिमेनाइट चूना पत्थर, तो ये सारे चीज यहाँ पर खनिज उद्योग भी है यहाँ पर। मेघालय में जिलों की संख्या देखा जाए तो यह जिलों की संख्या 7 है। मेघालय में लोकसभा की सीटें 2 है और मेघालय में राज्यसभा की सीटें 1 है। ये देख सकते हैं आप, नोक्रेक रिज नेशनल पार्क है जो कि मेघालय में है और बालपक्रम नेशनल पार्क है। ये खूबसूरत सा तस्वीर है मेघालय में, आपको देख सकता है यहाँ पे वृक्ष की जड़ से बनाया हुआ ब्रिज, तो यह ब्रिज एक तरह से है जो कि अभी यह मेघालय में मिलता है। यह प्राकृतिक नेचुरल ब्रिज है जिसको नदी और झीलों को छोटे छोटे नदियों में यह रहता है पार्क होने के लिए, तो यह बहुत खूबसूरत सा नेचुरल दृश्य होता है मेघालय का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो लेकर के मैं आ रहा हूँ नागालैंड्स पे, आप उसको भी जरूर देखिएगा।